ईशान खट्टर और जानवी कपूर की फिल्म धड़क बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर रही है। जी हाँ दोस्तों, 20 जुलाई को रिलीज हुई फिल्म धड़क लोगों के दिल में धड़क बनकर ही उभर रही है। इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन 8.41 करोड़ की कमाई करते हुए न्यू कमर्स में सबसे बड़ी ओपनिंग ली। इसी के साथ ही 3 दिन में 33 करोड़ का कारोबार धड़क ने कर लिया। धड़क फिल्म बौने कपूर की बेटी जानवी कपूर और शाहिद के भाई ईशान खट्टर की फिल्म है और इसको प्रोड्यूस किया है करण जौहर और डायरेक्ट किया है शशांक खेतान ने। फिल्म को भारत में 3500 स्क्रीन पर फिल्माया गया है। धड़क ने चौथे दिन 12 करोड़ की कमाई की और पांचवें दिन 10 करोड़ की कमाई की। कुल मिला के धड़क ने अपने 5 दिनों में 55 करोड़ की कमाई कर ली। ये काफ़ी अच्छी कमाई का आंकड़ा है। फिल्म का बजट है 30 करोड़ रुपये। एक नए एक्टर से इतनी अच्छी कमाई की आशंका काफ़ी कम होती है, लेकिन ईशान और जानवी की जोड़ी ने अपनी केमिस्ट्री से दिखा दिया कि धड़क काफ़ी अच्छी फिल्म है। फिल्म शैराट की रीमेक है धड़क। जी हाँ, मराठी फिल्म शैराट का रीमेक बनाया गया है धड़क में। हालांकि इसके क्लाइमेक्स में छेड़छाड़ की गई है। शशांक खेतान का कहना है कि मराठी फिल्म हर किसी दर्शक से जुड़ी नहीं होती, इसलिए मैंने इसका हिंदी वर्जन बनाया है ताकि इस शानदार कहानी को लोग देख सकें, इंटरनेशनली धड़क को लोग पहचान सकें। और साथ ही जानवी और ईशान को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए काफ़ी बेस्ट फिल्म थी। दोनों की जोड़ी वाकई में शानदार है और दोनों भविष्य के बड़े एक्टर और एक्ट्रेस बन सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है जानवी और ईशान के बारे में? क्या वो बड़े एक्टर बन पाएंगे? कमेंट में बताएं। सब्सक्राइब करें देखो।